वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है क्लास, देखिए बच्चे, अब हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होंगे बेसिकली। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, सेकेंडली हम बात करेंगे टर्म्स क्या होती है, थर्डली हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे कि हम कैसे चेक करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन इक्वेशंस है कि नहीं है, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ओके दैन, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं विद अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखिए बच्चे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। देखो, जैसे बच्चे अपने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, आपको आता है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बेसिकली जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्यों इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं? बिकॉज यहां पर जो वेरिएबल आपका है एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल आपको ऑलरेडी पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज वेरी करती जाती है, ठीक है, फिक्स नहीं होती है। ओके, तो ये जो वेरिएबल आपका एक्स यहां पर है, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज 2, और डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है हाईएस्ट पावर जिस पॉलीनोमियल की 2 होती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इज इट क्लियर? ओके दैट, अब बच्चे बात सुनो, अब बात ध्यान समझिए बच्चे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, ये बेसिकली क्या एंसेस्टर्स है किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अगर आम भाषा में हम समझे तो कैसे देखो, इसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव होती है, वो कैसे देखो, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अगर मैं इसके इक्वल्स टू में 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी आपकी, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, और कंडीशंस क्या है यहां पर? कंडीशन ये है वेयर जो आपका कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके, एक और कंडीशन, यहां पर जो ए जो है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आपका जो कॉफिशियंट है ना किसका, एक्स स्क्वायर का, वो 0 नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर बात आपको समझ में आ गई पक्का? ठीक है, और क्या है? अब अच्छा हम बात करते हैं टर्म्स की, टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं बचे। अगर हम बात करें टर्म्स की तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, एक टर्म, टू टर्म्स, आपके 3 टर्म्स यहाँ पर है, ठीक है, तो इनको हम टर्म्स कहते हैं ना, जो पूरा एक पार्ट जो होता है इसको हम एक टर्म कहेंगे, दूसरी टर्म या आपकी थर्ड टर्म होगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इस तरीके से 4x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्लास, देखिए हाईएस्ट पावर कितने, 2 है। ओके, और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे इस तरीके से -2x प्लस 3 प्लस 3x² इक्वल टू 0, इट्स ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है, इट इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, आई थिंक इट क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं और जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होंगी उनको आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आपकी इस फॉर्म में होगी। क्लियर? अब देखो बच्चे, बात सुनो, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन ये इस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है क्लास, अगर जब आगे बच्चा आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। देखो, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी, ये आपका 3x², तो ये टर्म आपकी पहले आएगी, देन आपका आएगा 2x -2x आएगा, देन आपका प्लस 3 आएगा, दैट इक्वल्स। ओके, अगर आपको कभी भी बच्चे इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है,
आगे आपके काम आएगा जब आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप जब इसको ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर में प्लेस करेंगे, तो ये बिल्कुल सिमिलर किसके है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल है, बिल्कुल देखो, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे, देखिए जैसे जैसे ये वाला मैं एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, जैसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, बिकॉज यहां पर जो डिग्री है इक्वल्स टू में जीरो कर देते, ठीक है। यहां पर जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वो कितनी है, टू। ओके क्लास, क्लियर बात है, ठीक है। जो आपका ये है ना बच्चे बी वाला जो पार्ट, आपका एक्स वाला जो पार्ट है, इसका कॉफिशियंट जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन आपका जो ए है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके क्लास, की बात क्लियर होगी आपको, पक्का कंफर्म्ड है, ठीक है। ओके, अब अच्छा एक बात आती है कि हम कैसे चेक करें कि गिवन जो इक्वेशन हमारी है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे। तो देखो बच्चे सिंपल सी बात आपने ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। देखो अगर आपको चेक करने के लिए आता है कि गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, पहले उन इक्वेशंस को आप सॉल्व आउट करेंगे, अभी हम सॉल्व आउट करके बताएंगे आपको एग्जांपल्स में, ठीक है, और चेक करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मींस वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुछ आइडेंटिटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है क्लास। फिर उसके बाद हम फर्दर जो है एग्जांपल्स करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, जो कि डे टू डे लाइफ पे बेस्ड एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, और कि चेक कैसे करें कि गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कि नहीं। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की, हम बात करते हैं जो कि आप ऑलरेडी जो 8th क्लास 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो आइडेंटिटीज कुछ आपके काम आएंगी इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, फिर उसके बाद चेक करने के लिए, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज आपके इस तरीके से हैं, देखिए आपको ऑलरेडी पता है, देखिए फर्स्ट वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अगर आपकी आइडेंटिटी हो तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, एक आपकी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको ऑलरेडी पता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक क्लास। और कुछ आइडेंटिटीज आपकी है क्यूब वाली, ठीक है, देखो एक आपके ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक क्लास। ये आइडेंटिटीज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चा आपका जो अभी काम आएगी, ठीक है, जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक क्लास, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ आइडेंटिटी आपकी है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और इसको इस तरीके से सीखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ओके, ये कुछ आइडेंटिटीज आपकी हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए, चेक करने के लिए इक्वेशंस को आपको हेल्प करेंगे, ठीक क्लास। इतनी बात क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो ये था आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट 4.1 में जो आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक क्लास। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर फर्दर हम बात करेंगे बच्चे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन की, हम बात करते हैं 4.1 के, ठीक है। तो टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।